मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके तहत अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 पार्षदों का होना भी जरूरी है। इसके अलावा कैबिनेट ने मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों को शिक्षा देने पर कार्रवाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यानी गैर मुस्लिम बच्चा अगर मदरसों में जाता है तो उसे अभिभावकों की परमिशन लेनी, वो भी लिखित परमिशन लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी, वरना इस पर कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 का में संशोधन किया गया है। नगर पालिका एवं नगर परिषदों में जो निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्षदों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं उसके अविश्वास जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था उसमें परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3 पार्षदों के द्वारा जो विरोध में जब आते थे तो अध्यक्ष हट जाते थे, अब 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि 3 साल तक करने के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा है कि बीजेपी हमेशा तानाशाही को बढ़ावा देती है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने प्रस्ताव का स्वागत किया, कहा कि बीजेपी हमेशा विकास के काम को बढ़ावा देती है। रही बात कांग्रेस के विरोध की तो ये उनकी पुरानी आदत है और हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से लेकर नगर पालिका तक तानाशाही रवैया अपना रही है और साफ साफ दिख रहा है। ऊपर लोकसभा में भी देखेंगे कई विधेयक ला रहे हैं, कई बिल ला रहे हैं और फिर वापस भी ले रहे हैं। अभी तक इतने छोटा सा अल्प समय निकला है सरकार का, उसमें मोदी जी ने कितने बिल वापस ले लिए, यहाँ पर भी वही मतलब नगर पालिका उसमें भी आप लेके आ रहे हैं नगर पालिका में भी कि तानाशाही दिखाना है, दादागिरी दिखाना है, गुंडागर्दी दिखाना है, तो ये दिखाता है ये तानाशाही वाली सरकार है। स्थानीय निकाय के प्रजातंत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय आज हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके निर्णय देने का काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद इस बात का है कि उन्होंने नगरी निकायों के अविश्वास प्रस्ताव के कानून में अमूलचूल परिवर्तन करके और उसको और अधिक सुविधाजनक बनाने का काम किया है। अब 3 वर्ष का उसका अवधि करने का काम किया है और बहुमत भी 3/4 करने का काम किया है।